क्या मंगल पर जीवन कभी मौजूद था? क्या मंगल पर आज भी जीवन किसी रूप में मौजूद है? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ने आज हमें मंगल तक पहुंचा दिया है। भले ही आज तक कोई मनुष्य मंगल पर जा नहीं सका है, पर हमने कई प्रोब्स और लैंडर्स वहां भेजे हैं जो धीरे धीरे इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर पिछले कई सालों से मंगल के गेल क्रेटर में रहकर वहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज कर रहा था, ताकि वो मंगल के अतीत या वर्तमान में जीवन की मौजूदगी का पता लगा सके। पृथ्वी पर जीवन के मुख्य सूत्रधार ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। 7 जून 2018 को नासा ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण घोषणा की। उसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट के जरिए पूरी दुनिया को यह बताया कि मंगल की सतह पर उसके क्यूरियोसिटी रोवर को अरबों साल पुराने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले हैं। साथ ही साथ इस घोषणा में नासा ने मंगल के वातावरण में रहस्यमय मीथेन के डिटेक्ट किए जाने की भी घोषणा की, जो समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण खोज थी, जिसने न सिर्फ नासा को बल्कि दुनिया के अन्य स्पेस एजेंसी को भी भविष्य में मंगल पर जाने तथा वहां जीवन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल पर मिला क्या, उसने ये सब कैसे डिटेक्ट किया था तथा इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज से 6 साल पहले यानी कि साल 2012 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल के गेल क्रेटर में उतरा। इसके कुछ महीनों बाद इसने वहां मौजूद सेडिमेंटरी रॉक्स में ड्रिल करके सैम नाम के इंस्ट्रूमेंट की मदद से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का पता लगाया। पर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स काफी कम मात्रा में वहां मौजूद थे, इसलिए उस समय इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर के बीचों बीच मौजूद टीले की चढ़ाई की तथा वहां मौजूद चट्टानों में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता लगाने की कोशिश की। दरअसल क्यूरियोसिटी रोवर को उन चट्टानों में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। ये एक्साइटिंग इसलिए था क्योंकि ये चट्टान अरबों साल पुराने थे, यानी कि ये उस समय के थे जब मंगल आज के मुकाबले थोड़ा गर्म हुआ करता था और पानी इस पर तरल रूप में मौजूद था। इसका मतलब ये था कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी उसी समय के थे, यानी कि जिस समय मंगल के इस लेक में पानी तरल रूप में मौजूद था, उस समय मंगल पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मौजूद थी। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मंगल पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मिलने का मतलब ये है कि हमें वहां अभी भी किसी जीवित लाइफ फॉर्म के सिग्नेचर का पता चला है, पर मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी कि मंगल पर जो भी हमें मिला है उससे हम पक्के तौर पर ये नहीं कह सकते कि हमने वहां किसी लाइफ फॉर्म की मौजूदगी को डिटेक्ट कर लिया है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कई बार नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से भी बनते हैं। पर अगर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही हर तरह के जीवन के सूत्रधार होते हैं। आज एंशियंट लेक बेड में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के मिलने का मतलब ये हुआ कि आज से अरबों साल पहले जब मंगल पर पानी तरल रूप में मौजूद था, उस समय वहां कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि उस समय मंगल पर जीवन कम से कम माइक्रोबियल लाइफ के रूप में तो जरूर मौजूद रहा होगा। आज के मंगल का वातावरण कुछ ऐसा है कि ये बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से तोड़ देता है। इसके बावजूद वहां काफी मात्रा में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मिलना थोड़ा अजीब लगता है। इस बार डिटेक्ट किए गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है, इस बात का अंदाजा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन हमें इस बार मिला है वो मंगल के सतह पर इससे पहले हमें मिले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेंट्रेशन से 100 गुना से भी ज्यादा अधिक है। शायद केमिकल स्ट्रक्चर में मौजूद सल्फर ने आज तक इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मंगल के हार्श एनवायरमेंट से बचाकर रखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि सल्फर एक प्रिजर्वेटिव का काम कर सकता है,
क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आपस में एक साथ जोड़कर उन्हें ऑक्सीडेशन से बचा सकता है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए जान लेते हैं कि सैम नाम के इंस्ट्रूमेंट ने मंगल पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कैसे ढूंढा। सैम ने गेल क्रेटर के बीचों बीच मौजूद टीले के भुरभुरे चट्टानों को 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा तापमान में गर्म किया। ऐसा करने से ये भुरभुरी चट्टाने वेपोराइज हो गए और वहां बेंजीन और प्रोपेन जैसे छोटे हाइड्रोकार्बन्स रिलीज हुए। चूंकि ये हाइड्रोकार्बन्स केवल काफी ज्यादा गर्म तापमान में ही रिलीज हो रहे थे, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी बड़े और हैवी मॉलिक्यूल्स के फ्रैगमेंट्स मात्र हैं, जो केरोजेन जैसे किसी चट्टान में मौजूद होने चाहिए। पृथ्वी पर केरोजेन्स ज्यादातर ब्लैक शेल या कोयले में पाए जाते हैं, जो कि प्राचीन पेड़ पौधों या बैक्टीरिया के प्रोडक्ट होते हैं। ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शायद मंगल पर किसी जमाने में जीवन किसी रूप में मौजूद था। हमारे लिए ये खोज काफी अहम है, क्योंकि ये इस बात की ओर इशारा करती है कि मंगल के सतह के नीचे शायद आज भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर फॉसिल्ड माइक्रोब्स पूरी तरह सुरक्षित हों। पर क्यूरियोसिटी रोवर मात्र 5 सेंटीमीटर तक ही खुदाई कर सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि वहां जमीन के नीचे अगर कुछ मौजूद है भी तो भी ये उसका पता नहीं लगा सकता। हमें इन सबकी जानकारी देगा यूरोपियन एक्सोमार्स रोवर, जो साल 2021 में मंगल की सतह पर उतरेगा। मंगल के बारे में एक और अहम जानकारी जो हमें ये मिली है वो ये बताती है कि मंगल के वातावरण में हमें मीथेन गैस की मौजूदगी का पता चला है। हालांकि ये खोज नई नहीं है, क्योंकि भारत के मंगलयान सहित कुछ अन्य प्रोब्स ने भी मंगल के वातावरण में मीथेन को डिटेक्ट करने की बात की थी। पर परेशानी ये थी कि ये डिटेक्शन स्मूथ नहीं था, यानी कि मंगल के वातावरण में कभी मीथेन मिलता था और कभी नहीं, जिसके कारण ये तय करना मुश्किल हो गया था कि असल में मंगल पर मीथेन मौजूद है भी या नहीं। एक पहेली ये भी थी कि अगर मंगल ग्रह पर मीथेन गैस मौजूद है तो उसका सोर्स क्या है, क्योंकि पृथ्वी पर मीथेन गैस आमतौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कारण बनता है। हालांकि ये नॉन बायोलॉजिकल कारणों से भी बन सकता है। साल 2012 में मंगल पर उतरने के बाद से आज तक क्यूरियोसिटी रोवर वहां मौजूद मीथेन गैस के कंसेंट्रेशन को लगातार मेजर करता आ रहा था। इस डेटा का एनालिसिस करने से ये पता चला कि मंगल के गेल क्रेटर के पास वातावरण में मीथेन गैस की मौजूदगी काफी हद तक वहां के सीजन्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि गर्मियों में वहां मीथेन का कंसेंट्रेशन लगभग 3 गुना बढ़ जाता है। मीथेन की मात्रा में इस तरह का सीजनल वेरिएशन उस थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित करता है, जिसमें यह कहा गया था कि मंगल पर मीथेन की मौजूदगी का कारण होते हैं वो मीटियोराइट्स, जो स्पेस से मंगल पर आते हैं। चूंकि मीथेन की मात्रा केवल गर्मी के सीजन में ही बढ़ रही थी, ये साफ था कि मंगल पर मीथेन कहीं और से नहीं बल्कि जमीन के नीचे से ही आ रहा था। अब सवाल ये है कि मंगल के जमीन के नीचे ऐसा क्या है जो वहां मीथेन गैस बना रहा था। हम पक्के तौर पर ये तो नहीं जानते, पर हमारे पास 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये है कि मीथेन वहां जमीन के नीचे मौजूद पानी तथा वोल्केनिक रॉक्स के रिएक्शन के कारण उत्पन्न हो रहा होगा। गर्मियों में तापमान बढ़ जाने के कारण इस रिएक्शन में और तेजी आ जाती होगी, जिसके कारण मीथेन वहां और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता होगा। शायद यही कारण है कि गर्मियों में वहां मीथेन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी थ्योरी जो थोड़ी ज्यादा एक्साइटिंग है वो ये है कि मंगल पर मीथेन को प्रोड्यूस कर रहे होंगे जमीन के नीचे मौजूद माइक्रोब्स, यानी कि सूक्ष्म जीव। चूंकि गर्मियों में ये ज्यादा एक्टिव हो जाते होंगे, गर्मियों में वहां मीथेन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मंगल की जमीन के नीचे शायद आज भी जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में मौजूद है। पर जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इन दोनों थ्योरीज में कोई भी सही हो सकता है, यानी कि फिलहाल हम ये नहीं जानते कि इसमें से कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत। हम ये नहीं कह सकते कि मंगल पर हाल ही में डिटेक्ट किए गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बायोलॉजिकल नेचर के हैं, पर मंगल के सतह पर ही इतने प्राचीन ऑर्गेनिक्स का मिल जाना ही काफी एक्साइटिंग है। जब हमें मंगल के सरफेस पर ही इस तरह के ऑर्गेनिक्स मिल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंगल के जमीन के नीचे हमें क्या क्या मिल सकता है। यही कारण है कि इस खोज ने सभी को काफी एक्साइटेड कर दिया है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर साल 2020 में एक नेक्स्ट जनरेशन रोवर मंगल पर भेजेंगे, जो वहां माइक्रोबियल लाइफ की मौजूदगी का पता लगाएगा। आज से अरबों साल पहले मंगल आज के मुकाबले गर्म भी था तथा इसमें पानी भी तरल रूप में मौजूद था। मंगल के गेल क्रेटर के रॉक्स
आज हमें चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि उस समय वहाँ जीवन को सपोर्ट करने लायक वातावरण भी मौजूद था, जिसका मतलब ये है कि जीवन शायद वहाँ पनपा भी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जीवन शायद वहाँ आज भी किसी रूप में मौजूद हो। जो भी हो, आने वाले कुछ सालों में इस रहस्य से भी पर्दा उठ ही जाएगा। कई लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि हमें पृथ्वी के अलावा दूसरा हैबिटेबल प्लैनेट ढूंढने की जरूरत क्या है। जो पैसा हम स्पेस मिशंस में खर्च कर रहे हैं, वही पैसा अगर पृथ्वी की भलाई में लगाएं, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? दरअसल आपकी सोच सही है, पर हमारी सबसे बड़ी परेशानी है रिसोर्सेज की, जो कि लिमिटेड है। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और हम पृथ्वी के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले 500 सालों में पृथ्वी पर इतने संसाधन ही नहीं बचेंगे जिनसे सबका गुजारा हो पाए। अपने आसपास जरा नजर दौड़ाइए। हम संसाधनों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर रहे हैं जैसे वो अनलिमिटेड हो, जो कि वो है नहीं। हम चाहे कितना भी विकास कर लें, पर हम कभी भी ऐसी तकनीक नहीं बना पाएंगे जिससे हम किसी भी संसाधन का अनलिमिटेड यूज कर पाए। जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उन्हें यूजलेस मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि फिर किसी काम में नहीं आते। उदाहरण के लिए, आग जलाने के लिए जब हम एक लकड़ी जलाते हैं, तो अंत में हमें राख मिलता है, जो कि हमारे काम का नहीं रहता। अगर इस ट्रेंड को देखें, तो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, जबकि उनका इस्तेमाल करने वाले लोगों में वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में हम अपने आने वाले जेनरेशन को ये गारंटी नहीं दे सकते कि उन्हें भी हमारी तरह सब कुछ प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। मुमकिन है कि उनके लिए न तो शुद्ध पानी बचे और न ही शुद्ध हवा और न ही भरपूर खाना। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ आपसी युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि हम मानव समय के साथ ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। आतंकवाद तथा अलग अलग देशों में होने वाली हिंसा इसका सीधा उदाहरण है। जिस तरह से सभी देश खतरनाक वेपन बनाने में लगे हुए हैं तथा उनके बीच तनाव बढ़ रहा है, उसे देखकर भविष्य में एक बेहद ही खतरनाक युद्ध होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चूंकि इन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। एक और सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है, वो ये है कि हम मंगल को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, किसी और ग्रह को क्यों नहीं? दरअसल इसका कारण ये है कि पूरे सोलर सिस्टम में केवल यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी सतह पर हम रह सकते हैं। दूसरी बात ये कि बाकी ग्रहों की तुलना में ये हमारे नज़दीक भी है। सौरमंडल में वेनस दूसरा ऐसा ग्रह है जो हमारे नज़दीक भी है और हम इस पर रह भी सकते हैं, पर यहाँ परेशानी ये है कि हम इसके सरफेस पर कदम नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ वातावरण हमारे जीवित रहने लायक बिल्कुल नहीं है। अगर हमें इस ग्रह पर रहना है, तो हमें इसके बादलों में अपनी कॉलोनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि केवल यहाँ का वातावरण ही हमारे रहने लायक होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, विज्ञान के एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।